सो गाइज वेलकम बैक टू रोहित फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। एंड गाइज आज की स्टूडियो में गाइज हम करने वाले ये मॉर्निंग कन्फ्यूजन फोटो एडिटिंग, जो कि काफ़ी मतलब मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रही है, क्योंकि गाइज इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ना वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी आप स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर स्किप करते तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें को मिस कर देंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाना। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ओके सो गाइस अब हम आ जाएंगे पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको ये वाला बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। ऑल फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक बैकग्राउंड दे दूंगा मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। एंड बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है वो सब मैं बताता हूँ। ओके सो कहाँ है भाई, सो ये रहा गाइस। एंड बैकग्राउंड को गाइस हमने कर लिया सिलेक्ट। बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस अब हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे। एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको अपना एक मॉडल पीएनजी कट ऑफ कर लेना है, जो कि ये कहाँ है भाई, जो कि हमारी देखो रियल फोटो गाइस ये वाली है। एंड इसको गाइस हमें करना रहेगा कट ऑफ। तो गाइस पहले आपको कर लेना होगा आपको बैकग्राउंड इरेज। एंड अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना आता तो उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई है, आप जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपना मॉडल पीएनजी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा ऐड फोटो पे एंड मॉडल पीएनजी को कर लूँगा अपने सिलेक्ट। सो कहाँ ये रहा। एंड बैकग्राउंड इरेज करने के बाद गाइस आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह की मिलेगी। एंड इसको कर लेना है सिंपली आपको यहाँ पर ऐड एंड थोड़ा सा छोटा। ओके एंड इसको कर देंगे यहाँ से राइट। सो राइट करने के बाद गाइस हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे। एंड अब हम सिलेक्ट करेंगे गाइस हमारे जो भी पीएनजीज वगैरह है। सो ओके सो पहले लेते हैं गाइस हम ये वाला पीएनजी एंड इसको यहाँ से करते हैं थोड़ा सा। ओके एंड गाइस अब हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड फिर लेंगे ऐड फोटो। एंड गाइस आपको राइट नहीं करना है, अगर राइट करोगे तो गाइस आप मिस कर दोगे, क्योंकि गाइस हमें बाद में भी एडजस्ट करना होगा, इसीलिए मैं राइट नहीं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा। ओके एंड हम देंगे फिर से यहाँ से पिन करेंगे ऐड फोटो। अब मैं लेना ये वाला, इसको थोड़ा सा करेंगे बड़ा साइड में। ओके परफेक्ट एंड हम जाएंगे फिर से यहाँ से फिर लेंगे। एंड एक और हमें लेना है पीएनजी, जो कि भाई कौन सा लगेगा, लेंगे हम स्प्रे वाला पीएनजी, कहाँ है। एंड गाइस इस फोटो में आपको जो भी बैकग्राउंड सेंड पीएनजी चाहिए उन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसको भी एडजस्ट करना है। ओके एंड हम जाएंगे यहाँ से फिर से ऐसे ही करके गाइस अपने हमको मतलब ढेर सारा पीएनजी सेलेक्ट करना है। सो अब लेंगे ये वाला एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पे एडजस्ट, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके एंड अब जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे, फिर यहाँ लेंगे जो कि भाई कहाँ है लास्ट पीएनजी, ये रहा। थोड़ा सा बड़ा। ओके एंड गाइस हम कर देंगे इससे राइट। सो गाइस हमारा जो भी काम था पिक्सआर्ट के अंदर सब काम हो चुका है। एंड गाइस अब हमारा सेकंड काम आता है लाइटरूम में, तो पहले कर लेते हैं इस फोटो को सेव। सेव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉ टूल सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉ सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज करेंगे तो हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड हमारा अगर अब काम आएगा सेकेंड लाइटरूम में, तो पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर से दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड तो चलिए चलते हैं हम अपने लाइट रूम में। ओके सो गाइस अब हम आ चुके हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, कैमरे के बगल में ये जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है।
एंड आपको अपनी वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपने पिक्सआर्ट में एडिट की है। तो मैं कर लेता हूँ वो फ़ोटो को सिलेक्ट एंड यहाँ से हमारी फ़ोटो आ चुकी है एंड इसको कर लेंगे सिलेक्ट। सो गाइस अभी हमारी फ़ोटो में कुछ भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। एंड गाइस जब मैं इस फ़ोटो एडिटिंग का मतलब जब ये फ़ोटो एडिटिंग कर रहा था तो मैंने इसका प्रीसेट भी क्रिएट कर लिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े एंड आपका टाइम भी बचे। तो मैं पहले प्रीसेट देखता हूँ। सो ये रहा, इसको अप्लाई कर देंगे। सो गाइस अप्लाई करने के बाद देखो गाइस एक क्लिक में हमारी फ़ोटो बन चुकी है। अभी लोड ले रहा है थोड़ा। ओके सो गाइस हमारी फ़ोटो की क्लियरिटी देखिए एकदम मस्त हो चुकी है। एंड गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्सआर्ट में हमारी फ़ोटो कैसी थी। सो गाइस पिक्सआर्ट में हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह की थी एंड कुछ भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था एंड अच्छा भी नहीं लग रहा था। जब हमने गाइस इसका लाइट रूम में रिटचिंग किया तो हमारी फ़ोटो देखिए एक क्लिक में मस्त हो चुकी है। एंड मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ, आप वो सब सेटिंग अप्लाई कर देना तो आपकी फ़ोटो पर एडिट हो जाएगी। सो पहले मैं जाऊँगा ये वाले टूल पर एंड आप सब सेटिंग देख लो, आपको ये सब सेटिंग कर लेनी है। एंड हम जाएंगे यहाँ मिक्स पे, पहले ये सब भी देख लो एंड मिक्स पे यहाँ से ये भी, ये आपको ये सब सेटिंग कर लेनी गाइस, आपकी फ़ोटो एकदम मस्त हो जाएगी मेरी तरह एडिट। एंड यहाँ से क्लियरिटी का ऑप्शन, आप सारी सेटिंग देख लो गाइस, मस्त फ़ोटो एडिटिंग हो जाएगी। एंड ये वाला टूल पे ऐसा नहीं है कि गाइस आप घटा बढ़ा भी नहीं सकते, आपको जो कम ज़्यादा लगेगा आप वो भी कर सकते हैं। सो मेरा 25 पे ही रहने देता हूँ। ओके सो गाइस हमारी फ़ोटो तो हो चुकी है डन एंड इस फोटो को कर लेना सेव। सेव करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से राइट कर देंगे। तो गाइस हमारी फ़ोटो ऑटोमेटिकली हमारी गैलरी में सेव होने लगेगी। एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाना ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे एंड आप सबसे पहले वॉच कर सके। एंड मुझे फॉलो करना भी मत भूलना मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलिए चलते हम आपको मिलते हैं सही नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। चलिए चलते, बाय।